ए पिता देवता यहाँ से हटोगे मम्मी तेरे हाथ जोड़ते हो वीडियो नहीं से पता क्या चलेगा तू ऐसे इतने संस्कारी है ऐसे डरते हैं ना। एक्चुअली ना ये प्रॉपर्टी पहले इनकी थी पर हम आके रहने लगे तो ये निकला ओ हो देखे बच्चा आगे पक गया अभी बात हो गया। मम्मी तू ही तो कहती है कि जो खाना आज ही खा लो कल का क्या भरोसा। बीच में बोलती है। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम बना रहे ये जो हम लाए थे पिछले मंथ भूल गए थे बनाना खमन ढोकला। तो आज ये ढोकला बनाएंगे और ये बनाएगी मम्मी। ये सिर्फ मम्मी की हेल्प करने के लिए आती है और ना इसके लिए सांचा चाहिए था जिसमें इसको रखना होता था वो हमारे पास नहीं है। तो हमने देखो ये सारे मसाले की कटोरी निकाल के बाहर इसको धोएंगे और इसके अंदर बनाएंगे। वैसे थाली में भी बनाते हैं पर थाली बड़ी है। बाहर निकल खाने में भी बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब तो फटाफट स्टार्ट करते हैं फटाफट ढोकला क्योंकि पापा गए हैं घोलू माजा क्योंकि वहाँ पे आज टाइलें इसमें पानी डाल रहे हैं। जो छत की टाइलें है वो प्रॉपर लग रही है तो आज इतना ही पानी डालेंगे। नीचे वाली छत की लग जाएगी कल ऊपर वाली छत की कम्प्लीट हो जाएगी और मम्मी रुकती नहीं है फटाफट पानी डाल दिया उसमें दोबारा डाल देते हैं। हाँ दोबारा डाल देगी। चलो तो मैंने बताया पापा घोलू माजा से आएंगे वहाँ पर पापा ने भी मजदूरों की जान खा रखी होगी काफ़ी तो फिर आएंगे यहाँ पे वो इसके अंदर बनाएंगे। मम्मी ने पानी डाल दिया देखो मम्मी अभी इसमें पानी डाल दिया इसको गर्म कर और इसमें हम ये रखेंगे ये स्टैंड रख दिए ताकि स्टैंड अरे वो कौन गया। अच्छा भाई साहब धोए हो अब वो धोएंगे और इसको उसमें रखेंगे ऊपर से तो उसके ऊपर रखेंगे तो गर्म होगा ढोकला ही है ढोकला बनेगा। थोड़ा कम कर देना इसको थोड़ा हल्का कम कर दे पानी ताकि उबल के ऊपर ना आए। तुमने जिसकी वीडियो देखी उसने ढंग से नहीं बताया तुम्हें बकवास। हाँ बता मुझे तुमने जिसकी कढ़ाई में तो पानी नज़र भी नहीं आ रहा था। बस हमारी कढ़ाई में भी नहीं आएगा फिर पानी नज़र नहीं आना चाहिए तभी अच्छा बनेगा। तो मम्मी अब इसको देखो खोल दिया बीच में बोलती है। तो मम्मी देखो आज मैं सोचा सादा ही बना दे इतना है सादा ही बन जाएगा सादा बना दे मैं ज़्यादा खा लेता ना है। जितना मर्जी गर्म है तू बना दे आधा किलो का डाल दे आधा किलो डाल दे अरे डाल दे कम हो जाएगा तुम्हें पता ही चलेगा यार डाल दे नहीं फिर ज्यादा बन जाएगा। तो ये देखो कहाँ तुम आ जाएगा आराम से आ जाएगा। मम्मी तू ही तो कहती है कि जो खाना आज ही खा लो कल का क्या भरोसा। ज्यादा है ये तू ही तो बोलती नहीं तू कि जो खाना अभी खा लो कल का क्या भरोसा। तो इसमें 150 ml पानी मिलता है तो हमारे पास 150 ml का हमें पता नहीं चलेगा इसलिए हमने ये बोतल ले ली इसमें पानी भर के डालेंगे। अरे पानी तो मैं अंदाजे से मिला दूंगी। तभी मम्मी तभी ना चीज़ें अच्छी नहीं बनती। तू बकवास कर रहा क्यों नहीं बनती अच्छी तू ही तो अंदाजे से मिलाती ना अपने दिल के सुन। इंग्रेडिएंट लिखा ही नहीं है इसमें। इंग्रेडिएंट क्या नहीं लिखा इंग्रेडिएंट हैं कौन सा ग्रेनेड चुपा ये हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा रिफाइंड ऊपर से और अब डाल दिया हमने थोड़ा पानी इनो भी डाल दिया मम्मी। अरे नहीं इसमें डला रहता बाजार वाले में सब कुछ ये देखो सूंघ के देख रहे हैं इसने भी ये साफ किया इसमें बनाया गया पता ये थोड़ा स्पेस कम है वो थाली में कहते थाली थोड़ी बड़ी होती है। हाँ थाली में स्पेस होता है ना ये ऊपर को मोटा होएगा ये हाँ खुलेगा भी तो खुलेगा तो बड़ा बनेगा ना हमारे पास थाली तो है हमारे पास थालियाँ भी है पर मम्मी हम थालियाँ सबके पास होती है। मेरे को लग रहा है जो ये बना दिया पता नहीं कुछ और ही बना देगा पर खा के टेस्ट करना ही पड़ेगा कोशिश तो कर रहे हैं। मैंने थोड़ा इनो डाल दिया। हाँ इसमें इनो पहले डला बुलबुल उठ रहे हैं कोई कीड़ा काड़ा था ना अंदर फूंक मार रहा हूँ झाग सी बन रही है ये देख। हाँ खराब तो नहीं है डला हुआ है इसमें पहले तेरे पर टेस्ट करेंगे। अरे वो बैटर होता है ना इनका तो वो ये बना बनाया होता है बाजार में सबसे पहले टेस्ट कौन करता है पापा वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसको हमने अच्छे से मिलाना है ऐसे देखो जैसे नीचे से निकल रहे ना बाद वो जो कच्चा माल है वो भी अच्छे से पीसना चाहिए इसमें। और मधु ने यहाँ पे देखो कड़ी पत्ते भी निकाल लिए डालने के लिए धोती का है ऐसे निकाल दिए इसने और वो राई राई का दाना राई भी निकाली हमने पहले से ये देखो इसमें राई पड़ी अंदर अब रहेगी मिर्च मिर्च भी डालनी है इसमें ये क्या हरी मिर्च मेरे को हरी मिर्च ये भी डलेगी इसमें और चीनी नमक और चीनी और नमक भी डलेगा सब डलेगा पता है सब डलेगा। अब दिमाग में दिखाने जब सब चीज़ दिखा दी चीनी भी है हमारे पास हो गए। पितू कह रही थी कि तुम दिखाते नहीं हो कि क्या क्या डालते हो और कैसे बनाते हो
तुमने वो करा चूल्हे में डाल दिया। अभी उसको सच नहीं पता, हम यहाँ पे दिखाते हैं, हम बना रहे थे मार्केट से लाके लाके खा लेते बैठ के, क्योंकि जो यहाँ हम बनाते वो बेकार बन जाता ना, इतना सही नहीं बनता। तो अब देखो वो देखो हमारा अच्छे से हो गया, देखो प्रॉपर पीस दिया हमने। तो अब हम इसमें थोड़ा ये रिफाइंड मलेंगे, इसमें रिफाइंड कर दे। अगर आपके पास ऐसे कैची ना पेंट वाला ब्रश है तो उससे भी कर सकते हो आप। हाँ हम ब्रश लेके आएंगे, बोला हूँ टूथपेस्ट वाला लाऊं मेरा जो होटल वाला एक पड़ा। तो हम अब इसमें डालेंगे, देखो ढोकले का पूरा दो उसमें बनाए। तो हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसको रखेंगे पूरे को। देखो ये देखो तेल इसलिए लगाया ताकि चिपके ना साइड में। अब इसको हम डालेंगे इसमें जहाँ पे हमारा ये स्टैंड और पानी है। ना ले पंगे भाई, ना ले पंगे, हो जाएगा। ओह माय गॉड, बस अब इसको हम ढक देंगे ऊपर से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये यमन ढोकला बन सके। इसके ऊपर कुछ तो उछल जाएगा। नहीं 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 वो ऐसे हो जाएगा ना। ये देखो हमारे पास सब चीज़ों का जुगाड़ है, अब वो ऐसे नहीं होगा जैसे वो ऐसे होता था। अब ये एक तरफ तड़का तैयार, अब एक तरफ करके इसका तड़का तैयार। तो ये हमने पैन रख लिया यहाँ पे तड़के के लिए, क्योंकि अब तड़का है। ये रख दिया रिफाइंड और मधु काट दिए छोटी छोटी मिर्चें। हाँ यही काट दे, क्योंकि जो काटने आता पता नहीं वहाँ छोटी छोटी मिर्चें काटो। और मम्मी यहाँ तड़के का इंतजाम कर रही है। तो यहाँ पे मिर्चे कट गई है, ये देखो बारीक बारीक मिर्चे तो कटी, साथ में मधु ने कुछ एंगल वाली मिर्चे भी काट दी। कह रही ऐसे वाली डालनी बहुत जरूरी है, ऐसे वाली अच्छी लगती है। अरे ज्यादा हो जाएगी मधु, बहुत बहुत है। हाँ रहने दो, ज्यादा दो बहुत है। हींग नहीं डालना, रहने दो हींग डालना। चलो डाल दो, ये कड़ी पत्ते भी है। तुम कड़ी पत्ते फाड़ रहे हो, कड़ी पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे। और ये हींग एवरेस्ट की, और ये मिर्च भी कट गई हमारी पतली पतली लंबी लंबी भी, बारीक भी। मुझे तो हींग की आती है, हींग डल गई अभी। तो हींग डल चुकी है और राई भी डल चुकी है। कौन है? राई 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 नहीं राई राई नींबू भी डालना है इसमें। नींबू भूल गए वो तो मैं था, मैंने इनको याद दिला दिया। अरे तड़के मारा पीछे मतलब पीछे हम दे लगे मम्मी के अंदर आगे मम्मी। अब इसको तड़का लगा रहे थे, अच्छे लगा रहे मिर्च का, मिर्ची निकलेगी अच्छे से भाई। अब इसको थोड़ा तड़का लगने देंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे पानी, फिर नींबू और थोड़ा नमक भी डालना है, चीनी भी डालनी है। तो हमारे देखो यहाँ नींबू भी काट लिया हमने और तड़के में थोड़ा डालेगा पानी, मुझे जाना पड़ेगा पीछे। इतना तेल हो गया, अरे हो रहा भाई हो रहा है। ये डल गया पानी तड़के में, बस पानी बहुत है, इससे ज़्यादा पानी डालने की गुंजाइश नहीं है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। अब इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ा नींबू, नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि उसमें भी है वो नहीं, उसमें नींबू नमक तो नहीं था, नमक नहीं था ना। नहीं नहीं बस ज़्यादा भी मत डालना। अब मम्मी डाल रही है नींबू, दांत थत्ते हो गए देख के, दांत थत्ते हो गए हमारे। रील बना ले, अरे तेरे को रीलों की बढ़िया है। हाँ। मम्मी को बहुत सीख, मेरी रील बना दो, मेरे ब्लॉग बना दो, मेरी वीडियो बना दो। अब इसमें थोड़ा मैं टेस्ट डाल देता हूँ, अपने हाथों का टेस्ट डालना जरूरी है। तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं, मम्मी जी चेक करेगी। तू हंसी क्यों दिया भाई, तू क्यों हंसी, तू हंसी, पापा नहीं आए ऐसी हंस के गई जान के। चलो अब इसमें चाकू डाल के देखेंगे, इससे पता लग जाएगा कच्चा है कि नहीं, पक चुका है। चाकू पे नहीं लगा तो पक गया, दिखाई दे रही है ना, नहीं लगा चाकू पे देखे कच्चा है कि पक गया, अभी पता चल गया। पर ऐसे डालो ऐसे निकालो, कच्चा है पक गया, देख इससे डाल, ट्राई ट्राई फिर ट्राई। ओ माय गॉड, लगा ले बेइज्जती करा दी, लगा वाला कच्चा अभी लगा नहीं, इस पे तो लगा नहीं, अभी पक गया वो ना ना। ये चाकू की मिस्टेक है, ये चाकू की मिस्टेक है, नहीं नहीं इस पे तो लगा नहीं, इस पे नहीं लगा ना, दोबारा ट्राई करेंगे हम, दोबारा ट्राई करेंगे 5-10 मिनट बाद। बहुत देर होगी, अब तो बन जाना चाहिए, हमारे एक बंदे का हाथ भी जल चुका है ये करने के चक्कर में।
मम्मी ने तीन बार क्या मम्मी ने हाथ बचाया भाई, इसने एक बार में हाथ जला लिया। अरे वो पानी उसका गर्म पानी को हुआ। गर्म पानी तो उसका बहुत नीचे था, पर चलो इसको काम अभी सीखने में टाइम लगेगा, थोड़ा सीख जाएगी धीरे धीरे। ज़्यादा मैं बता रहा अभी अभी तक कि तुमने मेरा असली रूप नहीं देखा, असली रूप देख लो नाले पंगे भाई। भैया देखो चाकू मार मार के टेस्ट अब बन गया, अब देखो अभी इसमें चिपक नहीं रहा था अभी, चिपक मतलब ये है तो लगा पहले का ऐसे ही, चलो थोड़ा तो लगता रहता है पर टेंशन ना लो बन गया। क्या करें, ये साफ है ना, ठीक है चलो ये मारेंगे, देखते हैं। वो देखो नहीं लग रहा, अब नहीं लग रहा है, अब नहीं चिपक रहा उसमें, इसका मतलब बन गया है। तो अब हम निकालेंगे उसको, मम्मी निकालेगी, मम्मी निकाल, मधु मधु तू बाहर निकल, कैसे बाहर निकल कैसे, ये देखो अब इसको हम उल्टा करेंगे, अब हम इसको करेंगे उल्टा। यहाँ चलते गढ़वाली गाने, अभी ठंडा करेंगे इसको, ठंडा करके निकालते हैं। ओहो तो ठंडा होने का इसका वेट करते हैं तब तक। तो अब हम इसको पलटने वाले हैं, इसको पलट के डालेंगे थाली में, फिर इसके काटेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। और ये मम्मी लेके आई है तड़के वाला सामान, जो कि इसके ऊपर वो कटने के बाद डलता है ऊपर से, पता ना मैंने सिखाया ना, बस ही करना। ओ मम्मी उस साइड कुर्सी लेके जा रही है ताकि अच्छी वीडियो आए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। इसको हम थाली में पलटने वाले हैं, ये पलटा, ये पलटा, ये पलटा, ये पलटा, पलटा क्या हाई, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल केक जैसा है। तो ये निकला, ये निकला, ओ हो वाह, केक बन गया, केक बन गया। ला कैंडल ले गया, कैंडल ले गया, केक भी तो उस टाइम ऐसे ही बना रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं ऐसी काट, ऐसी काट, ये ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बीच में नहीं गिरा ना, उल्टा ही तो काटते हैं जो नीचे के साइड पे होता है। वाओ, और ये मधु के चेहरे में जलन दिखती हुई, बार बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, जियो हजारों साल। एक्चुअली जो है मेरे को अंदर ढंग से पका नहीं है, चुकंदर ऐसे डरते हैं। ये प्रॉपर्टी पहले इनकी थी, पर हम आके रहने लगे तो इसलिए यहाँ आते रहती है। इसके ऊपर डालना है तुम, इसके ना तो ठीक है वैसे, अभी खांद में चढ़ाना पहले, पहले हम इनको चढ़ाएंगे पितरों के लिए, फिर हम खाएंगे। ये देखिए अब ये देखो ये डाल रहे हम इसमें, वाओ ठंडा होता है ना वो, सही ठंडा। बड़ी मिर्च सजा दे बीच में, मम्मी मतलब पूरी प्रोफेशनल बन गई इन चीज़ों में ना, मतलब तेरे लिए जो होटल खोलना ही पड़ेगा, ढाबा ना, पता चले मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ खाऊँ तो मेरे को उल्टिया हो जाए। बकवास कर रहा, कभी मेरी बनाई चीज़ तेरे को ख़राब हुई है? हाँ तुम याद नहीं लगा कि चिकन में काकरोच गिर गया था? बकवास कर रहा, कब गिरा? टेंशन ले काट दूँगा ना, तू कर दें चिका। चलो अब हम चढ़ाएंगे पहले पितरों के लिए, फिर हम खाएंगे। चलो अब चढ़ाते हैं, चलो चलो। अब सोच ही दिया पितरों के लिए, छोटा पीस नहीं मिल रहा लगता, मिल गया, चलो छोटा नहीं हो बड़ा ही है। चलो ए पिता देवता यहाँ से हटोगे? ये हमने वहाँ रख दिया खांद में। मम्मी तेरे हाथ जोड़ते हुए वीडियो नहीं, पता क्या चलेगा तू ऐसे इतने संस्कारी है। हाँ ये देखो दोबारा शॉट लिया मम्मी का, क्या पता चलना चाहिए मम्मी इतना मानती है। अब एक टेस्ट करके देखते हैं, नीचे गिरा हुआ साइड में थोड़ा सा, पर अभी गर्म पड़ा ना, गर्म है थोड़ा थोड़ा तो है। हाँ पर पीस में क्या ढंग से चखना पड़ेगा हमको, ये वाला ये बड़ा पीस ना। अब क्या लग रहा? तो पापा भी आ गए, देखो पीछे हमारा ढोकला जा रहा है फ्रिज के अंदर, पापा को पानी रख रहे हैं हम फ्रिज में इसको ठंडा करने के लिए, फिर ठंडा करके खाएंगे आराम से। चलो तो अब फाइनली हमारा ढोकला पूरा बन गया है, ये देखो फ्रिज में रख कर ठंडा भी कर लिया हमने इसको। अब मम्मी बांट रही है, खा के देखो ये लेके आया बाजार से, मैं खरीद के लाया है।
खा के देखा मैं तो खा लिया, मुझे तो अच्छा लग रहा, मैंने खा लिया। तू तो खुद बनाया ना, तुझे तो अच्छा लग रही है। लिफाफे को ऐसे वो करके लाते हो आप, दूसरे दिन के लिए लिफाफा बचता ही। चलो पापा तो टेस्ट करेंगे नहीं, मेरा ब्लॉग भी लंबा करेंगे। कर मुझे करना रहेगा पापा के, बस खाएंगे टेस्ट वेस्ट यार। हम टेस्ट करते हैं, अब अच्छा हो रहा है, फिर तुम भी खाओ। चलिए गाइस, अगर ढोकला बनाना ऐसे बनाए, अगर ये ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।